ये उनका नज़रिया है और उन्होंने हर संभव कोशिश की थी कि कांग्रेस विपक्ष में बैठे और उसके लिए धनबल का प्रयोग जिस तरह से बजट सेशन के दौरान उन्होंने किया और जो विधायकों की खरीद फरोख्त करी और साथ उनको बर्खास्त करवाने में उनकी अहम भूमिका रही है। आज उनको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हम तो अपनी मांग कर रहे हैं, हम तो उनके ऊपर सिर्फ एक बात के लेकर आरोप लगा रहे हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी आई और हिमाचल प्रदेश के लोगों को पुनर्निर्माण के लिए राहत राशि की ज़रूरत थी और जो हमारा अधिकार था, जो केंद्र सरकार द्वारा जो राहत राशि दी जानी थी, उसमें आप लोगों की क्या भूमिका रही? आप के द्वारा कोई मांग नहीं रखी गई, केंद्र सरकार ने प्रदेश की कोई मदद नहीं करी। हम इन बातों को जो है जनता के समक्ष लेकर जा रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। आप सिर्फ आज यदि बात करते हैं तो आप इन बातों का जवाब दें कि और आंकड़ों सहित दें, प्रमाण सहित दें कि जब हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो त्रस्त थी, आपका क्या उस समय क्या आपकी भूमिका थी? आज जो सांसद हैं, आज जो पूर्व जो में जो सांसद रहे, आज वर्तमान में इनके जो प्रत्याशी हैं, वो उस समय उन्होंने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आज जनता उनसे पूछ रही है और पूछेगी। इन बातों को जो है हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे जो है इन बातों को लेकर जो उनको जो इन्होंने प्रश्न किया है, मैं समझता हूं कि उनके इस आरोप ये जो आरोप है निराधार हैं और लोगों को भ्रमित करने का एक प्रयास है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से रामपुर में घटना घटी, पालमपुर में दराज कांड हुआ, 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, ये तमाम चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर टारगेट कर रही है भाजपा की। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सही है और आपने देखा कि इस तरह जिस तरह जो भी घटनाएं हो रही हैं और उसमें जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पकड़ा जा रहा है। और जो पालमपुर की घटना का आपने जिक्र किया, इस तरह की घटना से पूरा समाज जो है वो उसको दुख होता है, ये दुखदायी घटना थी। और लेकिन आपने ये भी देखा कि उसको तुरंत जो है जो अपराधी को पकड़ लिया गया है। और ये जो इस तरह का जो आरोप लगाना जो कि लॉ एंड ऑर्डर जो कि जो है व्यवस्था यहाँ पर ख़राब है, वो तो इन्होंने कोशिश करी, इन्होंने जो है कानून व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करी और जो धनबल का प्रयोग विधानसभा सत्र के दौरान जो बजट सेशन के दौरान उन्होंने किया और उन्होंने जिस तरह से विधायकों के लिए जो CRPF का यूज़ किया और विधायक और वहाँ पर बैरिकेड्स को तोड़ने का काम किया जब उन्होंने वो एंटर किए थे विधानसभा परिसर में, तो लॉ एंड ऑर्डर तो इन्होंने तोड़ने की ख़राब करने की जो है कोशिश करी है। आप अपने आप में झांकिए, आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपके द्वारा जो है किस तरह का प्रयास जो है वो किया गया था जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। और ये जो आरोप ये लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। ये मुख्यमंत्री की भाषा शैली पर सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से मेंढक कहना सुने हुए लोगों को या फिर काले सांप कहना, ये एक अच्छी भाषा शैली का उपयोग मुख्यमंत्री ने कर रहे हैं? भाषा शैली यदि आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति आपको अपने कैंडिडेट्स पे होनी चाहिए जो कैंडिडेट गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ये आप भी जानते हैं, और आप उनकी भाषा का सुधार कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, जिस भाषा से किसी की जो भावनाएं आहत होती हों ऐसा कभी उन्होंने शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और जो अगर कहा है, अगर बिकाऊ का है तो बिकाऊ वो उसमें कोई गलत नहीं है, वो बिकाऊ है, और जो अगर बर्खास्त की बात करी है तो बर्खास्त है, वो तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप यदि भाषा सुधारना चाहते हैं तो अपने उम्मीदवार की भाषा सुधारिए जिनको सुधार की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।